हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जमहूरियत के बाद चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान और रमेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिल्कुल, इसको हटाना चाहिए। उन्होंने सिद्दीक फारूक को हटाया वहाँ से और उन्होंने कहा कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम सिटीजन्स को आप लगाएं। इवन इसके अलावा सिर्फ माइनॉरिटीज का मसला नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे किताब पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, चाकिया जी को पढ़ा हुआ है, मैंने एथिक्स को पढ़ा हुआ है, बिजनेस एथिक्स को पढ़ा हुआ है, फॉरेन रिलेशन क्या होना चाहिए उसको पढ़ा हुआ है। मैंने डिफरेंट टॉपिक के ऊपर मैंने अपने टॉपिक के ऊपर अपने आर्टिकल लिखे, मगर एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने कभी भी अपनी पार्टी के ऊपर, मैं बुक भी आपको देता हूं अपना, सियासत में पीएमएलएन में करता था मगर रसूलों की सियासत करता था, कभी भी मैंने पीएमएलएन के हवाले से नहीं लिखा कि मेरी लीडरशिप ये करती है, क्योंकि मेरे जो ग्रीवेंसेस थे वो मैं हमेशा पार्टी को, मगर मैं चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, हमेशा पेपर लिखता था, मैं ये कहता था कि सर ग्रेट ट्रैफिक चल रही है, आज पाकिस्तान हम यूरो बांड देने जा रहे हैं, 1 बिलियन रुपीज हम ग्रेट ट्रैफिक से बचा सकते हैं और ये आईटी मिनिस्ट्री के नीचे चीज हो रही है। डॉन में मेरा इसका आर्टिकल भी इसका आया था, ये 2014 की बात है, 2014 में मेरा डॉन में आर्टिकल आया था जो मैंने ग्रेट ट्रैफिक के ऊपर लिखा था कि 1 बिलियन का नुकसान हो रहा है, मगर वहां पे आईटी मिनिस्टर के नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ा। पीआईए प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, मैंने पीआईए जब मेरी वहां पे नहीं चलती थी मैं आर्टिकल लिखता था, मैंने पीआईए के ऊपर आर्टिकल लिखा कि पीआईए एक नेशनल फ्लैग कैरियर है, दुनिया में जब हम जाते हैं तो हमें यह मैसेज मिलता है कि पीआईए वो इदारा था जिस पीआईए से चाइना को भी अमेरिका जाना होता था तो पीआईए का सहारा लेते थे, पाकिस्तान से जाते थे, मगर आज नेशनल फ्लैग कैरियर नजर नहीं आता है। मैं कुछ अर्सा, 1 साल पहले जब फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पे उतरा, 70 जहाज मैंने उस टाइम वहां पे देखे, जब पीआईए का जहाज मैंने नहीं देखा तो उधर भी मैंने एक आर्टिकल रात को बैठ के लिखा, क्योंकि मुझे वो एहसास था, एक मोहब्बे-वतन एहसास था कि मेरा फ्लैग कैरियर यहां पे क्यों नहीं है जो बताए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। मगर मैंने फिर भी इन हालात के बावजूद भी, चाहे नॉन मुस्लिम सिटीजन्स के इशू हो, चाहे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल करप्शन के इश्यूज हो, हर एक टाइम पे मैंने निशानदेही की। इवन मैंने कहा पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर पहले मैं मुखालफत करूंगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे गिनाऊंगा, ये मुख्तलिफ आप टाइम के ऊपर, मैंने आज भी कुछ ऐसे शोज रख रहा हूं, मैं मुख्तलिफ टाइम के ऊपर बताऊंगा कि कहां कहां पे क्या चीजें थी और कैसे हमें बेहतरी की तरफ जाना है। मगर मैं आज भी चाहूंगा कि मैं माजी को भुलाऊं, मुस्तकबिल जो मेरी वीएन है, जो मेरी सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाऊं। जब 2 साल से पनामा का एक इंटरनेशनल केस आया, इंटरनेशनल केस आने के बाद जिस किस्म की लैंग्वेज यूज की गई, 2 साल से जो जिस किस्म की लैंग्वेज यूज की गई, मैंने कहा मैं कभी इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे, इवन आप सारे दोस्त गवाह हैं कि 2 साल के अंदर कभी आपने मुझे, मैं पार्टी के हवाले से रोजाना टीवी चैनल, 2 टीवी चैनल के ऊपर जाता था, मगर हमेशा अपने असूलों एथिक्स में रहते हुए पॉइंट्स के ऊपर बात करता था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से बात करता था, हमेशा कहता था कि सबसे पहले पाकिस्तान, मेरा मौकफ हमेशा ये होता था। मगर मैंने कभी 2 साल के अंदर, चाहे जेआईटी रूम हो, चाहे एडसाब अदालत हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मैंने कभी उसके मैंने दरवाजे नहीं देखे कि मैं जाऊं और इंडिविजुअल केस है। मैं कहता हूं हर बंदा, मुझे कल भी तकलीफ हुई जब मैंने एक स्टेटमेंट देखी कि नैब को केयरटेकर सिस्टम के दौरान उसको गैर फाल किया जाए। अगर हम लीडर बैठ के, अगर हम पार्लियामेंटेरियन बैठ के अगर ये बातें करें
कि एहतसाब जो सिस्टम है उसको गैर फाल किया जाए तो फिर तो निचली सतह पे तो फिर तो होगी करप्शन, फिर तो हमारे पास ये मुल्क में होगा कि 2.25 करोड़ बच्चे हमारे एजुकेशन से महरूम होंगे और हमारे बच्चे बाहर पढ़ेंगे, फिर ये हमारे पास होगा कि यहाँ पे हॉस्पिटल में जो है वो औरतें बाहर हॉस्पिटल के बाहर डिलीवरी होगी और हम अपने इलाज के लिए बाहर जाएंगे, फिर ये होगा। मैं नहीं समझता कि ये कायदे आजम का पाकिस्तान था। कायदे आजम की वियन, कायदे आजम की आज मुझे वो दिन भी याद है और जिन इदारों के ऊपर आप दिन ब दिन देखेंगे कि अब किस तरीके से और लोग यहां पे ज्वाइन करते जाएंगे, फिर उनसे ये चीजें पूछेंगे कि डॉक्टर रमेश की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ये दावे सही थे या गलत थे, आपको एक एक चीज का पता चलेगा। और मैंने उस टाइम पे भी ये कहा, मगर उन चीजों का जिक्र नहीं था। अगर सियासत और हुकूमत, अगर हुकूमत में हम आके किसी की सड़क बनाते हैं, हम कहते हैं हमने ये सड़क बनाई, अपने जेब से नहीं बनाई, हमें कोई वो दोहराने की जरूरत नहीं है कि हमने ये, भाई आपको वोट देके अगर भेजा है तो आप ये नहीं गिनवाओ। आज अगर आप गिनवाओगे लोग समझते हैं कि क्या काम हो रहा है, मगर हमने उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया। अब जब मैंने सियासत का रुख देखा, सियासत का रुख देखा कि ये सियासत, इलेक्शन नजदीक है, अगर ये नजरिया जो इस वक्त जहां जहां अच्छे अच्छे एंकर, अच्छे तजिया निगार ने जब कहा कि सही मियां साहब का ये नजरिया, ये आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, आप क्या कहते हैं, मैंने कहा अगर सोचे समझे पढ़े लिखे बंदे अगर ऐसी मुझसे बात करते हैं तो मैं समझता हूं आज के दिन के बाद एक एक दिन जो कहते हैं ना जिंदगी से माइनस होता जाता है, और वो दिन जो है ना वो अभी इस पाकिस्तान की खिदमत के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैं इन चीजों के ऊपर सोच रहा था, अचानक मुझे शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, मेरे दोस्त मुराद सईद हो, शिबली फराज हो, मेरे जितने हैं मेरे पीटीआई के, जब भी मेरे साथ बैठते थे मुझसे उठते थे ऐसे बाजू से पकड़ के, फवाद बोलता था यार आपको तो, या आप जैसे इंटेलेक्चुअल को तो हमारे पास, मैंने कहा यार मुझे अभी छोड़ो, मैं अभी, मेरे लिए ये बहुत, मैं कभी ये सोचता था कि यार ये अब केसेस चल रहे हैं तकलीफ में, कुछ लोग मुझे भी कहेंगे कि यार 5 साल बैठ के ये क्यों जा रहा है, मगर फिर मैंने वो कायदे आजम मोहम्मद अली जना का वो वक्त याद किया कि कायदे आजम मोहम्मद अली जना भी कांग्रेस में थे, मगर जब उसने देखा कि मेरे बंधुओं के राइट्स का ख्याल नहीं किया जा रहा है, उसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की। अगर कायदे आजम जैसी शख्सियत अगर पार्टी चेंज कर सकती है तो मैं क्यों नहीं अपनी आइडियोलॉजी को चेंज, अपने आगे बढ़ाने के लिए मैं पार्टी चेंज करूं। मैंने अपने जहन को सेटिस्फाई किया, मुझे इन चीजों के ऊपर हुआ। जब ये वक्त आगे बढ़ा, शाह मोहम्मद साहब ने मुझे एक साल से कहकर मुझे एक दिन कहा कि मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, डिस्कस करना है। यहीं मेरे घर पे मैं, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, हम बैठे, 2 घंटे के करीब हमारी डिस्कशन हुई, मुझे बहुत मजा आया। मैंने कहा मैंने लगता है कि आने में देर कर दी है, फिर भी सोचा। दूसरे दिन मेरे बड़े भाई जहांगीर तरीन साहब ने जब मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपसे डिस्कस करना है, जब मैंने उनसे मिला, मैंने और ज्यादा मेरा दिल मुतमिन हुआ। और जब मैं खान साहब से मिला तब मैंने चाहा कि अगर मुझे पाकिस्तान की खिदमत करनी है, अगर मैं सियासत को इबादत बन के चलना चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि ये हमारा पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में नहीं हो, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हो, मैंने कहा आज ये कुदरत ने मेरे लिए ये मैसेज भेजा है कि बेटा अब वक्त आ गया है, उठो और ये छतरी लो। ये आज छतरी की जो मैंने साइन रखी, मैंने कहा ये छतरी की, आज शेड भी लगा, मैंने कहा नहीं छतरी, मैंने किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की मुझे छतरी चाहिए जिस पार्टी में मैं आके अपनी आइडियोलॉजी को आगे, उसी नजरिए को आगे बढ़ा के मैं बढ़ूं, इस किस्म की खिदमत करूं कि लोग आज जो है वो मुझे जिस किस्म की जो मैं सियासत चाहता हूं कि मैं खिदमत कर सकूं। मैं आज, मेरे लिए बहुत ही बड़ा अहम दिन है कि आज इतने बड़े लीडर मोहतरम इमरान खान साहब, अपनी पूरी टीम, जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठ के
आज मेरे घर मेरे यहाँ पे तशरीफ लेके आए हैं। मैं आज आपसे वायदा भी करता हूँ और अपनी कम्युनिटी से भी, मीडिया के सब दोस्तों के हवाले से आज ये कम्युनिटी से भी वायदा लेता हूँ, 35 लाख वोट है हमारे क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटी, नॉन मुस्लिम पूरे सिटीजन्स के, उसमें पारसी भी आती हैं। आज मैं आपको खान साहब ये बताता हूं कि मेरे मोबाइल के अंदर किसी का नंबर हो या नहीं हो, पाकिस्तान के किसी भी कोने से किसी का फोन आता है, डॉक्टर रमेश उसका फोन उठाता है, चाहे वो नंबर से हो या नहीं हो। आज इसी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आप कम्युनिटी का मुझे साथ चाहिए कि ये 35 लाख वोट से 34,99,000 वोट भी नहीं हो, पीटीआई को ये भले को ऐसा ठप्पा लगे कि नेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को आज मैसेज चला गया, आज इंटरनेशनल कम्युनिटी को आज मैसेज चला गया कि डॉक्टर रमेश का यहां पे आना यूरोपियन यूनियन को भी चला गया, यूएस को भी चला गया, ब्रिटिश को भी, पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया कि आज के बाद पाकिस्तान के अंदर ये ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन, कभी किसी बच्ची के साथ ज्यादती, कभी प्रकाश के साथ ज्यादती, कभी लालचंद को कोई मार कर जाए, कभी सिंध के अंदर, कभी पंजाब के अंदर, कभी बल, ये अब सारी चीजें अब नहीं चलेंगी। हुकूमत में आते ही आप सारी कम्युनिटी से ये भी मैं वादा लेना चाहता हूं कि अगर मेरी पूरी कम्युनिटी अगर पीटीआई को वोट दे, कम से कम हमें मोहताज नहीं बनाए कि हमें कंप्रोमाइज पे जाना पड़े, किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं चाहते। आप हमें मैंडेट दें और फिर आप प्रूफ करें। अभी तो बातों में बात की जाती है कि कायद अजम जैसा लीडर, मगर 2018 इलेक्शन के बाद हम अभी कायद अजम जैसा लीडर अपने आप को नहीं कहते, हम नहीं कहते कि, मगर 2018 की इलेक्शन के बाद वक्त और हालात और हमारी आपको कारकर्दगी बताएगी कि जो कायद अजम की जो वीएन थी, जो कायद अजम की सोच थी, जो कायद अजम का नजरिया था, जो ये हम सब पाकिस्तानी का जो नारा था, उसको जो कायद अजम उसको पाए तकमील तक किसने पहुंचाया। 2018 में सारी कम्युनिटी मिलके अगर हमें ऐसा वोट दे कि हमें कंप्रोमाइज नहीं करना पड़े, हम इलेक्शन जीते। आपके लिए यहां पे जो 19 जून 2014 की जो जजमेंट है, खान साहब आपसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहेंगे, अपनी जब बात करेंगे कि यहां पे एक सेल खुलेगा, जो शहबाज भट्टी ने जो मिशन शुरू की थी के इंटरफेथ मिनिस्ट्री की, जिसको हमारी हुकूमत ने बंद की, यहां पे एक सेल खुलेगा और उस सेल के अंदर हर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की यहां पे फौरन दरखास्त पहुंचेगी और उसको बर वक्त उसके ऊपर अमल होगा। अब वो वक्त खत्म हो गया, इस पाकिस्तान को पेरिस बनाना है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से कराची को भी मैसेज देना चाहता हूं, हफ्ते के अंदर शाह साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया कि हफ्ते के अंदर कराची में एक प्रोग्राम रखते हैं, और मैं आज खान साहब को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 29 अप्रैल को लाहौर में जो जलसा हो रहा है, हम आपको प्रूफ करेंगे कि सिंध के अंदर 8 लाख वोट अगर आपने कराची में लिए थे, इस मर्तबा 8 नहीं, इस मर्तबा ऐसे कई गुना आप ज्यादा लेंगे, और आप 26 मई की हमें डेट फिक्स दें, उस जलसे को मैं, चेलाराम राजा असरमल, हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी इसको ऑर्गेनाइज करती है, आपको दिखाएगी कि जलसा क्या होता है। और वो ऐसा जलसा होगा, आपको कराची के अंदर हम ऐसा जलसा करेंगे कि जैसे आज का दिन तारीख का एक दिन लिखा जाएगा कि आज के दिन के अंदर पाकिस्तान की सियासत एक नई मोड़ लेके जा रही है, और 26 मई को आपको वो प्रूफ करके दिखाएंगे कि जलसा कैसा होता है। तो मैं अब खान साहब को फिर दोबारा मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा, क्योंकि मैंने टाइम काफी लिया है, अब टाइम थोड़ा सा बचाते इस वजह से कि जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो भी हम लेंगे, भागेंगे नहीं, और इसी दुनिया में रहना है, इसी शहर में रहना है और आपके साथ रहना है। आप सबका शुक्रिया। सर, मैं जनाब खान साहब, जंगीर खान करीम साहब को कमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि जो हम सब मेहनत और डॉक्टर अमरेश के पीछे मैं 4 साल लगा रहा हूँ सर, तो वो भी जंगीर खान सर, अगर हम फाइंड ना कीजिएगा सर, जंगीर खान करीम सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं डॉक्टर रमेश आपकी अभी बातें भी सब सुन रहा था, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब मिला डॉक्टर साहब से कुछ दिन पहले, तो माशाल्लाह उन्होंने जो जो बातें की, जो इंटेलेक्चुअल उनकी एक विजन है,
और जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी सोचते हैं और जो मेहनत करते हैं और जो उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं और हर पाकिस्तान के चाहे वो माइनॉरिटी का मसला हो या इंटरनेशनल अफेयर्स का हो या पाकिस्तान की मीशत का हो, डॉक्टर साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो उसको खुल के बताते हैं, तो हमारे लिए एक असासा है। हमें बड़ी खुशी है कि आज उन्होंने ये इतना अहम फैसला किया और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे डॉक्टर साहब के पाकिस्तान तहरीक के साथ को ऐसी पार्टी पाएंगे जो सिर्फ बातें नहीं करती, जो सिर्फ झूठे बातें नहीं करती, बल्कि जो आपसे बात की जाएगी इंशाल्लाह ताला उसको खुलकर पूरा किया जाएगा। और मैं भी अर्ज़ करता हूँ कि हिंदू कम्यूनिटी और बाकी मैदान की कम्यूनिटी जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनको संभाला जाएगा, उनके जो जायज़ हकूक हैं उनको दिया जाएगा और उनको रिकग्नाइज किया जाएगा कि पाकिस्तान में उनका कितना एक अहम हिस्सा है। इस तरह से और आप ये आज तक किसी पार्टी को नहीं देखा होगा और इंशाल्लाह ताला आपकी ये तमाम रिक्वेस्ट है जो आप अपनी कम्यूनिटी को आगे लेके चलना चाहते हैं वो आप हमारे से मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलकर और इमरान खान साहब की क़यादत में इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें चल रही होगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर रमेश कुमार, तहरीक इंसाफ में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो विज़न थी पाकिस्तान बनाने पे कि पाकिस्तान बना इसलिए था कि वहाँ एक बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों को ये एहसास था कि हिंदुस्तान के अंदर उनको उनके हकूक नहीं मिलेंगे, उनको वो बराबर के शहरी नहीं रह सकेंगे। ये मेन वजह थी कायदे आज़म की मुस्लिम लीग ज्वाइन करने की, कांग्रेस से अलहदा होने की, और फिर पूरा स्ट्रगल किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए। और जो मैं आज नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान देख रहा हूँ उसमें वाकई जो कायदे आज़म के खदशात थे तब पाकिस्तान बनाने के वो सारे आज वाजे हैं कि मुसलमानों का जो आज हाल है और जो माइनॉरिटीज़ का मसीह बरदरी का जो वहाँ हाल है, तो इसलिए बना था मुल्क। तो जो कायदे आज़म की तकरीर थी 1947 अगस्त में के सारी माइनॉरिटीज़ के ऊपर कि वो बराबर के शहरी रहेंगे, तो हर पाकिस्तानी उस लीडर की उस वादा जो उन्होंने पाकिस्तान की माइनॉरिटी से किया था वो हर पाकिस्तानी उसके ऊपर खड़ा है। जो नहीं खड़ा वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में नहीं मानता। तहरीक इंसाफ उस आइडियोलॉजी पे खड़ी है। हम समझते हैं कि माइनॉरिटीज़ का बराबर का हक है इस मुल्क में और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, वो बराबर के शहरी हैं, उनके इक्वल राइट्स हैं, और हम इंशाल्लाह उसके साथ पूरा खड़े रहेंगे और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे रूल ऑफ लॉ ला के। असल में पाकिस्तान का मसला कानून की ना इम्प्लीमेंटेशन, कानून इम्प्लीमेंट नहीं होते। हम बिलीव करते हैं कि जब रूल ऑफ लॉ आएगा तो वो सारों को प्रोटेक्ट करेगा, कमज़ोर को ताकतवर से प्रोटेक्ट करेगा, वो माइनॉरिटीज़ को भी करेगा, वो हमारी ख्वातीन जो कि गरीब घरानों से हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, जिनको इस वक्त नहीं प्रोटेक्शन मिलती, उनको हकूक नहीं मिलते, इनहेरिटेंस राइट्स नहीं मिलते उनको, और हर कमज़ोर तबके को ताकतवर से प्रोटेक्ट करेगा, और वो इसी को सिविलाइज सोसाइटी कहते हैं। तो ये हमारा आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, मैं फिर से आपको खुश आमदेद कहता हूँ। मैं ये रीट्रेट करता हूँ, मैं ये दोबारा ये कहता हूँ कि जो आप तहरीक इंसाफ में माइनॉरिटीज़ को हम पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे और जो भी जो खदशात है माइनॉरिटीज़ के वो दूर करेंगे, और ये हमारी प्लेज है, ये हमने पूरी कोशिश की है पख्तूनख्वा के अंदर इम्प्लीमेंट करने की, और ये इंशाल्लाह 2018 के बाद जब अल्लाह ने अगर इक्तदार दिया तो हम सारे पाकिस्तान में इन्फोर्स करेंगे। खान साहब, ये बताइए कि गर्मी में खड़े हैं तो थोड़ा क्वेश्चन जरा सुनिएगा, क्योंकि दोस्त यहाँ पर आकर बैठे हैं। ज्यादा जल्दी आ गए आप 2 बजे, टाइम ये दिया था खान साहब, अच्छा
वो था कि अगर रश आप अंदर ना आ सके ना, इसलिए आपको अंदर आना जी। डॉक्टर साहब से उसके साथ आप से जी, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप कांग्रेस में 5 साल रहे और ये पार्टी की सीट होती है, तो जो इन 5 सालों में आपने जो मरा तरफाए और दीगर प्रदेश की है, तो क्या आप वो नून लीग को वापस करेंगे? और खान साहब आपसे ये सवाल है कि 2013 के आम इंतखाबात में जो जुडिशरी का जो रोल रहा था उस पर आपने एतराज किए और उस पर सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन एक दफा फिर इलेक्शन कमीशन ने जुडिशरी से हेल्प मांग ली है अगले इंतखाबात के हवाले से, तो इस पर कोई रिजर्वेशन है या आप सपोर्ट करते हैं? देखिए, पहले मैं आपको जवाब दे दूं कि 2013 का जो इलेक्शन था वो सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने भी शिरकत की उन्होंने कहा कि धांधली हुई है, एक पार्टी ने नहीं कहा। और एक पंजाब के अंदर एक सारे जितनी भी पार्टीज थी जो सवाए नून लीग है, सब ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का इलेक्शन था, और क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी से थे इसलिए हमारा इतराज़, मैंने इतराज़ भी किया सुप्रीम कोर्ट को, जो वो जो सुप्रीम कोर्ट में मेरे पर कंटेम्प्ट पे बुलाया गया उनको मैंने वाजे किया कि मैं रिटर्निंग ऑफिसर्स की बात कर रहा था, जो मेरा राइट है, जो कि मुझे कोई शक नहीं इसमें कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मिल के इनके साथ मैच फिक्स किया था, जो सारी केयर टेकर गवर्नमेंट सारों ने मिल के जो मैच फिक्स किया था, इलेक्शन कमीशन भी साथ थी, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि रिटर्निंग ऑफिसर्स जो जुडिशल ऑफिसर्स थे वो उसमें शामिल थे। अब एक नई लीडरशिप है सुप्रीम कोर्ट में और इस लीडरशिप के ऊपर सारों को इतमाद है, और अगर किसी को शक है कि कौम को इतमाद नहीं, तो 29 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान में वो खुद आके देखेंगे कि कौम खड़ी होगी अपनी अदलिया के साथ, जो कि हम बड़ा जलसा कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि ब्रीफ ये करूं कि आपको पता नहीं है कि बलोचिस्तान में जो लास्ट गवर्नमेंट जो बनी थी वो मेरी काविशों से बनी थी, 21 लोगों को जो ज्वाइनिंग कराई थी वो मैंने कराई थी, और उसके अलावा पाकिस्तान के कोने कोने से जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के जो हकूक़ की जो जंग लड़ी वो इस वजह से लड़ी कि उनके वोट मैंने PMLN को दिलवाए थे। अगर मैंने वहाँ पर, मैं समझता हूँ कि मैंने जितना ज़मीर के साथ कम्युनिटी की नुमाइंदगी की है पार्लियामेंट के अंदर, उतनी आज तक किसी ने नहीं की है। मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैंने PMLN नहीं, अपनी मेहनत की बात। नहीं नहीं, ये सवाल ही आपका, इसका मतलब जो हमें छोड़ के गए हैं उनको वापस देनी चाहिए साहब। जी जी जी, बारी बारी। अच्छा, एक किधर से ले लेते हैं, बहुत कमजोर रही है इलेक्शन के अंदर, तो आप बताएं कि उनके पास ऐसा क्या फार्मूला है आइंदा 2018 के इंतखाबात के लिए कि वो पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री भी लेने जा रहे हैं? देखिए, वो जो ये तो शायद खाकान अब्बासी को बताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सेनेट के इलेक्शन में बड़ी पैसा चला है, तो पैसा तो हमारे PTI के पास तो नहीं है, तो पैसा तो पीपल्स पार्टी वालों ने और जरदारियों ने चलाया है, तो उनसे पता चलवाएं पहले। तो ये शायद खाकान अब्बासी बताएं, जाके एजेंसीज उसके नीचे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया सेनेट इलेक्शन पर। और जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि आसिफ जरदारी को गलत फहमी है कि वो पैसा जिस तरह उन्होंने सेनेट में चलाया था वो वैसे चलाएंगे और पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाएगी, वो ऐसे मिलती नहीं है। बारी 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 सवाल आप करो। कोशिश तो है, आजकल कल भी नवाज शरीफ के आपने स्टेटमेंट देखे हम कवर कर रहे थे, अब बयानी नंबर 2 ही आया है कि इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए पूरे पाकिस्तान में राह हमवार की जा रही है और अदलिया और जो भी हमारे रास्ते में रुकावट डाली जा रही है और ऐसा नहीं चलेगा, और साथ उन्होंने कहा जो मेरे रास्ते में आएगा परसों निस्तो नबूद कर दिया जाएगा। देखिए नवाज शरीफ का अब क्या ज़िम्नी, देखिए नवाज शरीफ का मौकफ बड़ा वाज़े, उनके पास कोई जवाब नहीं है 2 सालों के अंदर के बताएं कि पैसा कैसे कमाया और पैसा मुल्क से बाहर कैसे गया, ये लंदन के फ्लैट्स लेने में, जो कि उनकी उन्होंने तस्लीम किया पैनमा के बाद कि उनके फ्लैट्स हैं। उससे पहले हमें पता है कि ना मरियम की फेमस स्टेटमेंट है 2011 में कि ना मेरी ना मेरे रिश्तेदारों की, बाहर तो छोड़े पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है,
झूठ बोले। फिर सलमान शहबाज ने टीवी पे आके कहा कि बताएं कौन से फ्लैट है हमारे, कोई फ्लैट्स नहीं। तो जब पैनामा पकड़े गए और इन्होंने तस्लीम कर लिया, और ये पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, इनकी जिम्मेदारी थी बताना, अदलिया को बताते, पार्लियामेंट को बताते, जीआईटी को बताते, नैब कोर्ट्स को बताएं, ये दो सवाल कि पैसा आया किधर से और बाहर कैसे गया। एक इनके पास उसका जवाब था, कतरी खत, जो कि खुद ही इन्होंने मुस्तरद कर दिया, कोई दुनिया में नहीं मानता। अब बजाय, क्योंकि इनके पास कोई सवाल नहीं है, जवाब नहीं है, ये उस वक्त से एक ही इनकी कोशिश है, किसी तरह अदलिया को बदनाम किया जाए, नैब को बदनाम किया जाए, जीआईटी को कंट्रोवर्शियल किया जाए, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद, फौज को अटैक किया जाए, फौज के जो दो ब्रिगेडियर्स थे उनको रॉ एजेंट्स कह दिया जाए। सिर्फ मकसद एक है कि किसी ना किसी तरह अदलिया को डिस्क्रेडिट करके, ये इन्होंने जो 300 अरब रुपया अपने बच्चों के नाम पे बाहर लेके गए हैं, 300 अरब रुपया, ये किसी ना किसी तरह वो बच जाए। ये सिर्फ और सिर्फ ये गेम चल रही है, और ये झूठ की दास्तान है, असेंबली में झूठ, कुछ और झूठ, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और झूठ, जीआईटी के अंदर इनकी सारी इंकशाफात सामने आ गए, इनके जालसाजी सारी सामने आ गई, और अब ये जो आखिरी झूठ सामने आया कि इन्होंने कहा जी तकरीरें कर रहे हैं कि बच्चे से तनख्वाह जो मैंने ली नहीं, और अब पता चला कि तनख्वाह भी ले ली है। असल में वो कंपनी जो थी FZZ, वो मनी लॉन्ड्रिंग उसके जरिए यहाँ से पैसा भेजते थे, उसके जरिए पैसा बाहर जाता था, और इनकी 16 कंपनी जो इंग्लैंड में बच्चों की थी। तो ये सारा एक बहुत बड़े फ्रॉड को ये नवाज शरीफ और इनके साथ मिले हुए मीडिया हाउस, इनके साथ पेड जर्नलिस्ट, पेड एंकर्स, जो एक इतना वाज़े फ्रॉड पकड़ा गया है, उसको ये और रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेचारे वाजिद ज़िया को अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, वो बोल नहीं सकता, हम क्योंकि फौज चौधरी और हम वहाँ जाते नहीं हैं, इसलिए इनका अकेले का मौकफ चलता जा रहा है, और वो बिल्कुल झूठ के ऊपर है। और इनको बचाने के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इतना शर्मनाक कई मीडिया हाउसेज का रोल है जो फेक न्यूज दे रहे हैं इनको करप्शन को बचाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो आपको वो कितनी मुद्दत कबूल है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, साल? नंबर 2, निगरान हुकूमत बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। हमारी इतराज के मुताबिक अभी तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई रब्ता नहीं हुआ, सीरियस रब्ता। आपकी कोई इतलात है कोई शेयर जी? मैं दूसरा पहला जवाब दे दूं। देखिये, केयर टेकर गवर्नमेंट का मकसद ही एक होता है, एक ही काम, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। जो पिछली बारी केयर टेकर गवर्नमेंट्स आई थी वो मुकम्मल तौर पे फेल हो गई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में, क्योंकि फिर से मैं कहता हूँ सारी जमातों ने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट तो और कुछ करने नहीं आती, सिर्फ न्यूट्रल अंपायर बन के साफ और शफाफ इलेक्शन करवाते हैं। अब और पिछली बारी क्या हुआ, जरदारी और नवाज शरीफ मिल गए, इन दोनों ने मुकमुका किया, इन्होंने अपने अपने अंपायर खड़े कर दिए। अब इस बारी हम पूरा जोर, तहरीक इंसाफ ने पूरा जोर लगाना है कि न्यूट्रल अंपायर हों इस बारी। हम किसी सूरत, हम सड़कों पर निकलेंगे, हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे कि उस तरह के जैसा के पिछली बारी पंक्चर लगवाने वाले अंपायर आए थे, इस बारी हम कबूल नहीं करेंगे। आपका जो इलेक्शन में टाइम पे होना चाहिए, हम तो बल्कि अर्ली इलेक्शन चाह रहे थे। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान में, इसे निकालने के लिए अर्ली इलेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन किसी किस्म की डिले नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, आपने ये कहा कि आपकी 16 साल सियासी जद्दोजहद है, और कायदे आज़म को आपने कहा कि उन्होंने भी कांग्रेस से की थी, सर आपने खुद भी तो काफ़ी सारी पार्टियाँ चेंज की हैं, कब तक खान साहब के साथ रहेंगे? दूसरा ये कि हिंदू काउंसिल जो है वो बतौर NGO रजिस्टर्ड है, जो इंटरनेशनल फंडिंग भी करती है। पहली चीज तो ये कि मैंने अपने डिटेल ब्रीफिंग में ये बताया कि 2 साल से जब क्योंकि पार्टी के अंदर जमहूरियत के हवाले से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होते रहते हैं,
अपने ग्रीवेंसेस बताते रहते हैं मगर जल्दी पार्टियां ऐसे चयन नहीं होती। एक डेढ़ साल से जैसे ही ये बयानियाँ आया, जिस किस्म की ये मूवमेंट शुरू हुई उसके बाद, क्योंकि चौधरी निसार साहब से मेरी बहुत अलायंस थी और चौधरी निसार ने कहा कि नहीं सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, और मैं तो अभी भी उम्मीद करता हूं कि चौधरी निसार भी जो है वो इसी पार्टी में आएंगे अगर उनको खिदमत करनी है। और तो चौधरी निसार मेरे बड़े भाइयों की तरह है। चौधरी निसार, मैं आपको बताऊं कि आज और कल के दरमियान जिन जिन लोगों के मुझे फ़ोन आए हैं कि डॉक्टर साहब आप गए, आप हमें क्यों नहीं लेके गए, और मैं अभी नाम उनके ब्रेक नहीं लेके, अब आप देखेंगे आप थोड़ा सा इंतजार करते जाएं, अभी थोड़ा सा फिल्म हो जाने जाए। बिल्कुल देखे एक मिनट देखो अभी तो पार्टी शुरू हुई है।